हेलो एवरीवन, आज हम बात करें आईसीआई के बच्चों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, आपका मॉक टेस्ट पेपर के बारे में अनाउंसमेंट आ चुका था, मैंने अपडेट भी किया था, पर इसमें मैं आपको ये रिमाइंड करने वाला हूँ, कल से ये मॉक टेस्ट शुरू हो रहा है। लिखा हुआ भी है कि 4 अक्टूबर से ये शुरू होने वाला है। ड्यू टू फिजिकल मोड भी होगा, वर्चुअल मोड भी होगा। आपको जिस तरीका का देना आप दे सकते हैं, फिजिकल मतलब जा करके ये टेस्ट दे सकते हैं, या फिर वर्चुअल मतलब ऑनलाइन घर बैठे भी दे सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैंने बताया था कि फिजिकल कैसे होगा, तो फिजिकल के लिए आप अपने किसी बगल अगल के लोकल ब्रांच चल जाए आईसीआई के, वहां जाकर के टेस्ट दे दीजिए। और अगर वर्चुअल देना है तो बीएस नॉलेज पोर्टल फोन में डाउनलोड कर लीजिए, ये आईसीएआई का एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है। इससे आपको डायरेक्ट 1:30 में पेपर मिल जाएगा। स्टूडेंट आर एडवाइज टू डाउनलोड अटेम्प्ट फॉर एग्जाम, आपको डाउनलोड कर लेना है। और 1:30 में आपको क्या लिखा, द क्वेश्चन पेपर फॉर ईच सब्जेक्ट विल बी अपलोडेड ऑन बीएस नॉलेज पोर्टल एज अ शेड्यूल 1:30 में एवरी डे ड्यूरिंग दिस पीरियड, हर दिन। और आपको जरूर अटेंड करना चाहिए। और जो ऑनलाइन, यहाँ पर देखिए लिंक भी दिया हुआ है, ये लिंक का मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप चाहो तो वहाँ डाउनलोड कर सकते हो। मैं ये समझता हूँ कि आपका अब 2 महीना बचा हुआ है एग्ज़ाम में, तो आपको मॉक टेस्ट पेपर आपसे तुरंत सॉल्व हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आप रिविज़न कर रहे होगे, जैसा कि मुझे लगना है कि आप रिविज़न कर रहे होगे। 4 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, तो 4 अक्टूबर मैं आपको बता दिया हूँ, चाहिए जा करके ज़रूर अटेम्प्ट करिए और अपना बेस्ट दीजिए। और ये जो आंसर्स होंगे वो 48 आवर्स के बाद बीओएस नॉलेज पोर्टल में भी आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब केसीआई, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।